मध्य प्रदेश के सागर में एक खौफनाक हादसा हुआ है, जहां एक दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 10 से 14 साल के बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि शाहपुरा में मंदिर के पास लोग पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे, इस दौरान दीवार गिरने से ये बच्चे उसकी चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के सागर में पार्थिव शिवलिंग बना रहे बच्चों के ऊपर 50 साल पुराने मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई बच्चे घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना को लेकर शोक जताते हुए पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सागर जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक शाहपुरा इलाके में हरदोई शिव मंदिर पर बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थी शिवलिंग बनाने के लिए जमा हुए थे। यहां पर सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना के साथ साथ भागवत कथा का भी आयोजन चल रहा था। मंदिर के जिस परिसर में बैठकर विद्यार्थी भगवान के शिवलिंग बना रहे थे, उसके पास मल्लू कुशवाहा नाम के व्यक्ति की एक बिल्डिंग थी, एक मकान था जो काफी पुराना था। इस मकान की दीवार तेज बारिश की वजह से कमजोर हो गई थी, जिसके ढह जाने का बड़ा हादसा हो गया। दीवार की चपेट में आने से 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव मौके पर पहुंचे और राहत कार्य तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए। इस मामले में कलेक्टर की मॉनिटरिंग में जांच शुरू करवा दी गई है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पर जो भी अपडेट होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव।